गाइस आज मैंने एक बहुत ही खास दाल मखनी बनाई है जिसे मैंने कुकर या कढ़ाई में नहीं बल्कि क्ले पॉट में बनाया है, यानी कि मिट्टी के बर्तन में बनाया है। अब क्ले पॉट में हम क्या क्या बना सकते हैं, हम बिरयानीज बना सकते हैं, करीज बना सकते हैं या फिर जो भी चीजें हैं जिन्हें स्लो कुकिंग चाहिए जैसे कि दालें, खासकर मखनी दाल, वो इसमें बहुत ही अच्छी बनती है। जब हम क्ले पॉट में खाना बनाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं, उसमें हर तरह के पॉसिबल विटामिंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी को मिलते हैं, इंक्लूडिंग विटामिन B12। इसके साथ साथ हमें कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है और भी कितने तरह के विटामिंस हमें मिलते हैं। क्ले पॉट्स में बनाया गया खाना ना सिर्फ टेस्टी होता है बल्कि हेल्दी भी होता है। तो अगर आपने आज से पहले कभी क्ले पॉट्स में खाना नहीं बनाया है या ऐसे बर्तन नहीं खरीदे हैं तो अब ट्राई करें। इसमें खाना 15 से 20 मिनट लेट जरूर बनता है एज कम्पेयर टू कुकर कढ़ाई जो हमारे पास रेगुलर होते हैं, लेकिन जो स्लो कुकिंग का जो प्रोसेस है उससे खाना कितना ही फ्लेवरफुल हो जाता है और कितना ही न्यूट्रिएंट डेंस होता है। जब हम क्ले पॉट में खाना बनाते हैं तो जो स्टीम होती है उसके अंदर वो सर्कुलेट होती रहती है जिससे कि खाने में मॉइस्चर बना रहता है, और इससे क्या होता है कि जब हम खाने में तेल डालते हैं तो हम कम तेल में भी बहुत अच्छे से कुकिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल मखनी की रेसिपी जो मेरी किचन में बनती आ रही है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सो गाइज, अगर आप क्ले पॉट्स फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे पहले हीट करने के लिए रेडी कर लें, और इस प्रोसेस को सीजनिंग कहा जाता है। सीजनिंग करने से आपके मिट्टी के बर्तन ज्यादा टाइम तक चलेंगे। इसे वॉश करने के लिए आपने किसी डिटर्जेंट का यूज नहीं करना है, इसे आप प्लेन पानी से या फिर बेसन के आटे से ही वॉश करें। इनफैक्ट अगर नया पॉट है तो उसे एक दिन के लिए पानी में डिप करके रखें और अगले दिन उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें, तब जाकर ये कुकिंग के लिए रेडी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ ली है एक कटोरी मां की दाल और इसके साथ अराउंड 2 बड़े चम्मच राजमा। इसे मैंने एक रात पहले भिगो के रखा था। अब जल्दी से इसे बॉईल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस हांडी को गैस पर रख देते हैं और गैस ऑन कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूं ये सोख दाल। और राजमा। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूं। इसे मैंने मेजर नहीं किया है क्योंकि अभी तो हमें इसे स्लो कुकिंग पे बहुत देर पकाना है, तो पानी इतना हो कि अच्छे से सोख हो जाए। अब मखनी दाल तो कोई भी बना लेता है, लेकिन इसे बनाने के लिए रेसिपी नहीं आर्ट चाहिए। क्या आपने कभी हांडी में बनी बिरयानी खाई है? तो वो जो अलग सा स्वाद और खुशबू होती है वो कहां से आता है? वो इसी हांडी से आता है। अब इसमें डालते हैं कुछ बेसिक मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूं 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 1 मोटी इलायची, इसे तोड़ के डालें, और दालचीनी स्टिक। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा नमक। इसे मिक्स कर लेंगे और बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो गाइस, अगर ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। प्रेशर कुकर में दाल जल्दी जरूर बनती है, लेकिन जो स्वाद और खुशबू इसे ऐसे मिट्टी के बर्तन में बनाने से आता है ना, वो स्वाद डेफिनेटली प्रेशर कुक दाल में तो बिल्कुल नहीं आता। जो ये हांडी है ये मिट्टी से बनती है जो कि नेचर में अल्कलाइन होती है, तो जब ये हमारे खाने में मौजूद एसिड से मिल जाती है तो उसका पीएच लेवल भी बैलेंस कर देती है, जिससे कि हमारा खाना और ज्यादा हेल्दी हो जाता है। अगर दाल पर झाग बनने लगे तो उसे आप चम्मच से हटाते जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ रहा है, तो अब गैस थोड़ी धीमी कर दें और 3 से 4 घंटे इसे ऐसे ही धीमी आंच पर पकने दें। मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था और मुझे आज भी याद है कि मखनी दाल को बनाना कोई मेहनत का काम नहीं है बल्कि टेक्निक चाहिए। अगर आपने वो टेक्निक समझ ली तो हर बार आपकी दाल गल जाएगी, परफेक्ट बनेगी। तो अब इसका तड़का बनाना शुरू करते हैं। दाल बॉईल हो चुकी है तो मैंने उसे एक सेपरेट बोल में निकाल लिया है।
अब इसी हांडी में मैं तड़का बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी, मतलब जेनरसली अच्छे से 2 चम्मच तक, तभी इस दाल में स्वाद आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, इसके साथ साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेटेड अदरक और चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक भी इस डिश का एक मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसे भी बिल्कुल भी मिस ना करें। इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक ये अपनी फ्लेवर और खुशबू ना छोड़ने लगे। इसे अच्छे से हिलाते रहें ताकि इसके ये बॉटम पर चिपके नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूं प्याज, तो मैंने यहां 2 प्याज लिए हैं और उन्हें कस लिया है। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमेटो प्योरी। मैंने यहां 3 टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो इसे चॉप करके भी ले सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। इसका नाम मखनी दाल जरूर है, लेकिन मैं इसमें मक्खन या क्रीम कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। मुझे ये देसी घी में ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो घर का बना व्हाइट बटर इसमें जरूर डाल सकते हैं। अब जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी उसे इसमें मिक्स कर लेते हैं। अभी आपको देखने से लग रहा होगा कि इसमें पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तो हमें इसे 1 से 1.5 घंटे पकाना है, तो तब तक ये पानी भी सूख जाएगा और दाल भी थिक हो जाएगी जैसी हमें चाहिए। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। मतलब और कोई भी इंग्रेडिएंट मिस कर दो, पर इसे मत मिस करना। मखनी दाल में जो एक डिस्टिंक्ट खुशबू और टेस्ट आता है ना, वो इसी से आता है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। गाइस, जब भी आप क्ले पॉट्स में खाना बनाएं तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखें कि कभी भी गर्म बर्तन में ठंडा पानी ना डालें। इससे बर्तन में क्रैक्स आ सकते हैं या फिर ये टूट भी सकता है, तो हमेशा इसमें गुनगुना पानी ही डालें। अब हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी है, एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। दाल अच्छे से गल चुकी है, थिक हो चुकी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसालों की खुशबू आ रही है। तो बस इसे सर्व करने से पहले इसमें एक बार और थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं। इसके साथ साथ थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते भी डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमारी मखनी दाल सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब दाल मखनी का असली मजा तो आता है नमक मिर्च के पराठे के साथ, तो साथ साथ पराठा भी रेडी है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट।